आप हमारे महान परमेश्वर की दया में सदा और उसकी शिक्षाओं में सदा बने रहें, यही हमारी इच्छा है। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे मत्ती की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसके 7 पद से। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंच कर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। प्रियो, यहाँ पर हम इस बात को पाते हैं, जैसे आपने परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह के जन्म के विषय की जो घटनाएं हैं कि कैसे 3 ज्योतिषी यीशु मसीह को खोजते खोजते एक तारे की अगुवाई में एक तारे का पीछा करते करते वो बैतलहम पहुंचते हैं, और वहां पर जब वो यीशु को पाते हैं तो वो बहुत आनंदित होते हैं। पर उससे पहले उनकी मुलाकात वहां के राजा हेरोदेस से होती है, और राजा हेरोदेस को जब ये पता चलता है कि उसके ही देश में एक और राजा का जन्म हुआ है तो वो बहुत भयभीत हो जाता है, और इसके कारण वो उन ज्योतिषियों को ऐसा कह के भेजता है कि जाओ पता करो और फिर मुझे आकर ठीक ठीक बताओ। पर प्रियो, हम यहाँ पर आगे को यदि हम देखें तो यहाँ पर ऐसा पाते हैं 11 पद से, मती 2 उसका 11 पद से, उन्होंने उस घर में पहुंचकर बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए, यानी उनका जीवन बच गया। यहाँ पर एक विशेष बात है, ये ज्योतिषी अपने ज्ञान के अपनी बुद्धि के अनुसार जो कुछ उन्होंने उससे अपने जीवन में सीखा था वो उन मार्ग पर चलते चलते वो यीशु तक पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर एक अधिकारी है, एक राजा है जो उन्हें चेतावनी देता है, जो उन्हें ऐसे बोलता है कि जो कुछ तुम पता करो वो मुझे बताना। पर स्वप्न में क्या होता है कि ये स्वप्न देखते हैं कि राजा हेरोदेस के पास फिर ना जाना, और वो उस चेतावनी को मान लेते हैं और वो फिर राजा के पास में नहीं जाते, जिसके कारण क्या होता है कि यीशु मसीह बच जाते हैं उस समय, और साथ में इनका भी जीवन बचने पाता, या कह सके बहुत कुछ यहाँ पर हो सकता था, पर क्योंकि स्वप्न में इन्होंने परमेश्वर की ओर से एक चेतावनी को पाया और उन्होंने उसको मान लिया। प्रियो, हम सब लोग अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानने से अति प्रसन्न रहते हैं, पर कई और भी बातें हमारे जीवन में होती रहती हैं, जैसे परमेश्वर अगुवे ठहराते हैं, परमेश्वर स्वप्न के द्वारा या विशेष बातों के द्वारा हमको बहुत सारी अगुवाई देते रहते हैं। पर क्या होता है कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हम उन चीजों को बहुत ज्यादा गुणा भाग करते हैं, हम सोचते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं और देखते हैं क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा, और हम कुछ सब कुछ देखने के बावजूद भी स्वप्न में या किसी प्रकार से अपने अगुओं की अगुवाई को प्राप्त करने के बावजूद भी हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, और क्या पाते हैं कुछ दिनों में आगे जाकर अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों को देखते हैं जिसमें से फिर लगता है अब यहां से बाहर कैसे निकलें। मैं आपको इस ओर लेके जाना चाहूंगी, आज्ञाकारिता आशीषे हमारे जीवन में लेकर आती है। हम वचन की बहुत सारी आज्ञाओं को तो हम मानते हैं, पर जब ऐसी बात आती है कि स्वप्न में क्या देखा है, प्रभु हमसे क्या कह रहे हैं, कई बार लोग अपने अगुओं के पास स्वप्न को देखने के बाद जाते हैं, पूछते हैं कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं, और परमेश्वर फिर उनको अगुवाई भी करते हैं अपने अगुओं के द्वारा, उनको वचन की शिक्षा देते हैं। पर कई बार हम ऐसे देखते हैं कि हम तब भी अपनी बुद्धि का और अपनी समझ का सहारा लेते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इस प्रकार से क्यों आज आपसे बात कर रही हूँ, हो सकता है आप में से कई ऐसे हैं जो मेरी बात
आपको सुन रहे हैं, हो सकता है आपने बीते दिनों में परमेश्वर के लोगों से, अपने अगुओं से, अपने पासबानों से परमेश्वर के बहुत सारी चेतावनियों को और आज्ञाओं को प्राप्त किया है, शिक्षाओं को प्राप्त किया है। प्रिय, हो सकता है आपकी परिस्थितियां आपसे कुछ और कह रही हो, पर मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहेंगे तो आपका जीवन बच जाएगा, आप बहुतायत से आशीष को पाने पाएंगे और आप सुरक्षित अपने स्थान तक पहुंचने पाएंगे। यीशु मसीह की इस पैदाइश की इस घटना ने मुझे एक विशेष बात की ओर बहुत ध्यान लेकर गए कि ये ज्योतिषी बहुत ज्ञान और बहुत बुद्धि रखते थे, पर जब परमेश्वर ने इन्हें कुछ बताया, इन्होंने अपने ज्ञान को किनारे रख के परमेश्वर की अगुवाई को पहले पकड़ा, परमेश्वर की चेतावनी को पहले अपने जीवन में हिस्सा दिया। जबकि वहां पे राजा बहुत कुछ कह रहा था, पर इन्होंने किसी भी बात की चिंता ना करके परमेश्वर की बात को अपने जीवन में ज्यादा महत्व दिया। प्रियो, हमारे जीवन या हमारा भविष्य, प्रियो, परमेश्वर की अगुवाई में, आज्ञाकारिता में चलने के द्वारा सुंदर और मनोहर होता है। परमेश्वर ने हम सब के लिए उत्तम बातें रखी हैं, आशीषें रखी हैं, पर वो आशीषें आज्ञाकारिता के ही द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर के दिखलाए और सिखलाए और उसकी बातों पर चलने के ही द्वारा हम उन आशीषों को या सुरक्षा को या बचाव को या उन्नति को हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रियो, आवश्यक है हम अपनी बुद्धि को किनारे करें और हम प्रभु की अगुवाई में अपने जीवन को चलने के लिए शिक्षित करें या ट्रेंड करें। यही भला है। या ये मजूसी जो कि दूर दूर देशों से आए थे, फिर भी इन्होंने परमेश्वर की अगुवाई को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया। बहुत कुछ कई बार हमें अच्छा नहीं लगता, कई बातों का भय होता है, पर यदि आप परमेश्वर की अगुवाई में, यदि हम सब परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे तो हम निश्चित रूप से अपने जीवन में परमेश्वर की भलाइयों को देखेंगे। हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमें कभी अंधियारे में नहीं रखते। इससे पहले कोई कार्य, कोई विशेष चाल दुष्ट की या कोई बात विशेष हमारे जीवन में घटे, आप हमेशा से अपने दासों और दासियों के द्वारा, अपने चरवाहों अगुओं के द्वारा या स्वप्नों के द्वारा अब बहुत सारी बातों को अपने वचन के द्वारा हमें बताते और सिखलाते और चेतावनी देते चले आए हैं। पिता, हम सबकी मदद करें कि अपने उन संसारी ज्ञान या जो कुछ अभी तक हमने सीखा है उसको किनारे करके आप हमसे क्या कह रहे हैं, आपका वचन हमसे क्या कह रहा है, आपके द्वारा ठहराए गए अगुए हमसे क्या कह रहे हैं, हम उन बातों को अपने जीवन में पहला स्थान देने पाए। प्रभु मदद करें, प्रभु मदद करें, हमारे प्रियो की सहायता करें, क्योंकि आप चाहते हैं हम सुरक्षित रहें, आप चाहते हैं हमारे संग में भला होता रहे, आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा पूरा वातावरण एक एक बड़े एक छुटकारे को अनुभव करने पाए। हम सब के, हमारे प्रियो की मदद करें आपकी अगुवाई में जीवन को व्यतीत करने के लिए। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन, आमीन। प्रियो, आज्ञाकारिता में ही आशीष है, प्रभु की अगुवाई की में चलने के द्वारा उज्जवल जीवन है। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।